सीआईएससी आज जारी करेगी आईएससी 12वीं का रिजल्ट। यूपी मुस्लिम लड़के को लव जिहाद में फंसाने हायर की गई थी लड़की, बीजेपी नेता ने इसलिए रचा षड्यंत्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। एसएससी घोटाले में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की रिमांड की मांग की, कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की दिल्ली में बैठक, पीएम मोदी पहुंचे। बिहार के सारण में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, कई लोगों की मौत की आशंका। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुजरात समेत कई राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए। 26 जुलाई को गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। मनाली घूमकर दिल्ली पहुंचे सैलानी में मंकी पॉक्स मिला, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 28 जुलाई को वाराणसी आएगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन। फिलीपींस की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल पाए गए। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की ओर चीन का बड़ा कदम, पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्ण लॉन्च किया गया। रीवा में नुपुर शर्मा के समर्थक पर हमला, ऑफिस जाते समय बात करने के बहाने बुलाकर डंडे से पीटा। वायुसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू, 31 जुलाई तक केंद्रों पर रहेगी सख्त सुरक्षा व्यवस्था। सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत मामले में हाथरस एसपी पर गिरी गाज हटाए गए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज लोगों के साथ किया रूबरू कार्यक्रम, पहुंचे फरीदाबाद। कठिन रास्ते पर बाइक दौड़ाकर जवानों ने गलवान घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीडियो हुआ वायरल। बसपा सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर में 14.90 करोड़ की संपत्ति कुर्क। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।